أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنا مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

बगैर किसी मुकदमे के गुफ्तु जहाँ गुजशत सेशन में छोड़ी थी वहाँ से शुरू करता हूँ हिदायत एक ऐसा मौजू है कि किद ने क़ुरान मजीद के नज़ोल का कुरान मजीद भेजने का मकसद इसी हिदायत को करार दिया है और कुर मजीद की पहली सिफ़त जो बयान फ़रमाई है हदा लिलमती के कुरान मजीद मतकीियों के लिए हिदायत हदायत ने नेतुल्ला जनाब खली से तमीर करवाया और बैतुल्ला के मकसद में से एक मकसद बयान फ़रमाया हदा आलमीन ये दुनिया वालों के लिए हिदायत का ज़रिए यानी जिस तरफ़ रुख करके हम अपनी इबादतों को अंजाम देते हैं उस बैतुल्ला का अल्लाह के उस घर का मकसद तमीर ख़ुद क़ुरान मजीद के हवाले से हिदायत अल्लाह की पाक किताब के नज़ुल का मकसद और मैंने पहले किसी सेशन में यह किया था कि मौजू किताब खुदा हिदायत त तोहद ने इबादतों में से जिस इबादत को इबादतों की सरदार करार दिया है नमाज उस नमाज़ में क़ुर मजीद के जिस हिस्से की तिलावत का हुक्म दिया है उस हिस्से में एक सवाल करने की तलकिन फरमाई है और वो ये है कि मांगते रहा करो मुझसे एहदिन असरातलमस्तकीम अब इन तीन आयात को अगर आप जमा करें तो चूँकि मख्तल अवकात में हम इन पर गुतगु कर चुके हैं दोहराना नहीं चाहते तो हमें इसी से हिदायत का एक एहसास होता है कि ये कितनी अहम चीज़ है और वो इबादत जिस इबादत को ज़ात तोहद ने पैगम्बर अक्रम के फरमान के मुताबिक इंसानी में इराज़ करार दिया है उस में इराज़ इबादत में यही सवाल करने का हुक्म दिया है कि मुझसे हिदायत क्या सवाल करते रहा करो अब जनाब वो वली खुदा वो इमाम जनाब अमीराम की भी पसंदीदा चीज़ों में से एक सर फहरिस्त चीज़ जनाब अमीर के महबूब चीज़ों में से वो हदायत जनाब अमीलाम ने हिदायत के लिए कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल किया है कौन सी राहें अपनाई हैं इन पर इनशल गुफ्तु होगी लेकिन जहाँ गुफ्तु हमने छोड़ी थी वो ये कि इंसान अगर हिदायत हासिल करना चाहता है तो हादी की पहचान उसको होनी चाहिए ताकि हादी को पहचान के उसके अहकाम को मान के और उसकी राहों को तय करके वो ये कह सके कि हाँ मैं हिदायत की राहों पे हूँ इसलिए कि अगर हादी को नहीं पहचानेंगे तो दावेदार तो बहुत होते हैं और हर कोई ये कहता है कि मैं आपकी बेहतरी के लिए काम करता हूँ मैं आपकी अच्छाई के लिए आपकी भलाई के लिए ये इकदाम उठा रहा हूँ और ख़ुद शैतान ने कुरान मजीद में इंसान को ये दुश्मन बन के अपनी तरफ नहीं बुलाया बल्कि वो कहता है कि मैं आपके लिए नास हूँ नसीहत करने वाला हूँ आपकी बेहतरी के लिए सोचने वाला हूँ और आपको बेहतरी की तरफ़ दावत देने वाला हूँ लिहाज़ा ज़रूरी यह है कि दूसरे तरीक़ों से पहचान यह होनी चाहिए कि हादी बरहक कौन है और इसके लिए जात तोहीद ने इंसान को खल किया है तो हदायत की राहें और हादी भी खुद मुन फरमाए हैं अलताफ़ इलाहिया में से एक बहुत बड़ा लुत्फ है और करम है खुदा बंद करीम का कि उसने इंसान को हदायत की राहें तय करने के लिए अपने आप पर नहीं छोड़ा बल्कि मैं अगर यहाँ ये यह कहूँ कि किद ने इंसान अमूमी को बाद में पैदा किया और उस इंसान की खिलकत से पहले ज़ात तोहद ने अपने खलीफे के तौर पर अपने नुमाइंदे के तौर पर हादी के तौर पर जनाब आदम को नबी बना के पैदा किया है यानी हदायत का सिलसिला पहले है और खिलकत इंसान बाद में है हम इसी से हिदायत की अहमियत को समझ सकते हैं जनाब आदम हादी बन के आए हैं और फिर बाकी सिलसिला जो है वो अफराद का और मखलूक का चला है कुरान मजीद में बड़े वाज़े तौर पर जनाब पैग़बर अकरम को ख़िताब करते हुए ज़ात तोहिद ने इरशाद फरमाया है कि ए मेरा महबूब इन नल कुल्ले कौम इन हाद आप नज़ीर हैं और हर कौम के लिए एक हादी होता है वह इन वल कुल कौम हाद हर जमाने में हर कौम के लिए एक हादी होना चाहिए अब इस आयत की तफसीर में क्राम ने इस लफ्स हिदायत से यही लिया है कि यहाँ एम एम आसूमी मुराद हैं और हर जमाने में एक इमाम का होना ज़रूरी है जो इंसानियत की हिदायत का जरिया हो अलबत्ता अगर कोई ये कहे कि फिर हर कौम में इमाम होना चाहिए तो चूँकि इस जमाने में इमाम नुमाइंदे गान पैगम्बर अकरम हज़रत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि मुतफ़ा वसल्लम हैं इसलिए जहाँ जहाँ पैगम्बर अक्रम की नबूवत का सिलसिला है और जिस अंदाज से उनकी नबूवत है उसी अंदाज से इमामत भी और विसायत जनाब पैग़म्बर अकरम भी होनी चाहिए चूँकि पैगम्बर अकरम हज़रत महम्मद मुस्तफ़ा सल् वम आलमीन के लिए नबी हैं रसूल हैं इमाम हैं इसी तरीके पर फिर उनकी नुमाइंदगी में जो इमाम हैं वो भी आलमीन के लिए होंगे लिहाजा इस ज़माने के लिए हादी होना ज़रूरी है और साहबान मुत अगर इस बहस को उस निगाह से देखना चाहते हैं इिलमी पहलू को देखना चाहते हैं एक बहुत प्यारी बहस इस आयत के ज़मन में अलामा हिली ने अलफ़ैन में की है और वहाँ इस आयत के ज़रिए से के जात तोहीद ने ख़ुद फ़रमाया इन नमा तमन दिर वल कौम इन हाद हर कौम के लिए हादी होता है तो अल्लामा अलामी मकाम उन्हें यह फरमाया है कि ये आयत खुद कहती है कि अल्लाह हादी बनाता है जब अल्लाह हादी बनाता है तो अल्लाह फिर ये दावत देता है और ये हुक्म फरमाता है कि मेरे बनाए हुए हादी की पैरवी करो जब बनाता भी अल्लाह है और उसकी पैरवी का हुक्म भी अल्लाह देता है तो फिर वो हादी ऐसा होना चाहिए जो अल्लाह के आकाम की न जानबूझ कर, कर न भूल कर न मजबूर होकर मुखालफत करे और इसी को मासूम कहते हैं यानी इसी आय मजीदा के जमन से जनाबली नेस्मत आय मासूमी सलाम पेश की है और सबित की है बहरहाल हमारा मौजू वो नहीं है अलबा अकीदे के तौर पर इस इसमत पर जवानों को बिलखसूस जिनकी हर वक्त दूसरे अफराद से बहस होती है ऐसी बारीक अब का उनको मताल करना चाहिए और हिली की ये किताब बेहतरीन किताब है उन्होंने सैकड़ों के हिसाब से अदिल्ला पेश किए हैं इस मत मासूम इलाम पर पहला उनके एक मौजू है कि इमामत लाजम क्यों है उसमें एक अच्छी गुफ्तु है और फिर इसमत की गुफ्तु काफ़ी तफसील से हुई है जिन आयात में से एक आयत ये भी उन्होंने वहाँ पेश फरमाई है कि अल्लाह की ज़ात ने हादी बनाए हैं जब अल्लाह की ज़ात ने हादी बनाए हैं तो अब उन हादियों में से सर फहरस्त और जिसको हम इमाम अव्वल कहते हैं हादी अव्वल कहते हैं बादल पैगम्बर उस हस्ती का नाम है जनाब आमिरबिन अबी तालब तो अब ये अगर कौम के हादी हैं तो इनके फरामीन में भी इनकी गुफ्तार में इनकी रफ़्तार में इनके किरदार में हर जगह पर हिदायत ही हिदायत होगी लिहाजा न हजलबलागा जनाब अमीम के फरामीन में से एक हिस्सा जमा किया है सैयद रजी ने तो इसमें जो जो चीज़ें हैं वो उसी इंसान की हिदायत का ज़रिया है अलबत्त यहाँ अगर एक चीज़ इजाफा करता जाऊँ और वो ये है कि आप अगर देखें ना हजलबलगा का मताल करके कि जनाब अमी आलाम ने हिदायत के रास्ते की वजाहत के साथ साथ और हम आज कर चुके हैं कि जनाब अमील ने ख़ुद फ़रमाया बिना तद तुम फिजिल्मा हिदायत करने वाले हम हैं लेकिन साथ बड़ी तफस से जनाब अमी आलाम ने हदायत की राह की रुकावटों को भी बयान फरमाया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हिदायत की राह में रुकावट बनती हैं मसल खुतब कास्यात जो नाजलबला का सबसे तफसीली ख़ुतबा है उस खुतबे में जनाब इस्लाम ने इंसान के सबसे बड़े दुश्मन शैतान का तज़करा किया है वो किस तरीके पे इंसान को धोखा देता है कैसे वो अपने हीले इस्तेमाल करता है कैसे इंसान को राह मस्तकीम से हिदायत से दूर ले जाता है दूसरी चीज़ जो जनाब अमीर इस्लाम ने बार बार याद फरमाई है और उसको हिदायत की राह की रुकावट करार दिया है वह दुनिया परस्ती यानी शैतान जो सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा आला इस्तेमाल करता है इंसान को राह हिदायत से राह मुस्तकीम से हटाने के लिए वो दुनिया परस्ती है लिहाज़ा इन दो रुकावटों को जनाब अमीलाम की ज़बान मुबारक से कला में मुतहर से सुनना चाहिए पढ़ना चाहिए और फिर जो राहें जनाब अमीलाम ने इन से बचने के लिए बयान फरमाई है उन पर गौर होना चाहिए और जनाब अमीलाम से ये राहें अख्ज करके मुकाबले दुश्मन का तरीका सीख के शैतान से और दुनिया परस्ती से फिर मुकाबला करें और जनाब अमीलाम के फ़राम के मुताबिक फिर इन दो दुश्मनों को शिकस्त दी जा सकती है और राह हिदायत को जारी रखा जा सकता है ये भी जहन में रहना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे अफराद इस दुनिया में गुज़रे हैं और हैं जो अफराध सिरात मुस्तकीम को राह हिदायत को तय करना शुरू तो करते हैं लेकिन कभी दरमियान में ज़रा से गाफिल होते हैं तो इस राह को गुमराही की तरफ ले जाते हैं इस राह से भटक जाते हैं इस राह को छोड़ बैठते हैं और उनके सामने जलालत और गुमराही की राहें आ जाती हैं और वो उसकी तरफ चल पड़ते हैं लिहाजा ये ऐसी राह है और हिदायत ऐसा सिलसिला है कि इंसान को उस की करने में भी दिक्कत करनी चाहिए और उस पर चलते रहते हुए भी तवज्जो और एहतियात करनी चाहिए कहीं दुश्मन उसको रास्ते से हटा न ले बहराल जनाब अमीम के इस नाज़ुल नाजुलबुल के कलाम में इन चीज़ों पर गौर होनी चाहिए हमने गुजत सेशन में यह अर्ज़ किया था कि इंसान अगर दूसरों को बतलाता रहे खुद उस पर अमल न करे तो ये एक मुनासिब चीज़ नहीं होती और अपनी असलाह के बाद अपने आप को राय हदायत पर ले आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो कुरान मजीद ने भी बयान फरमाई है एम ने भी बार बार इसको बयान फरमाया है वो है को अनफोसा कुम वाहली को मनारा अपने आप को और अपने ख़ानदान को इस आग से बचाना है या यूं कहूँ कि हिदायत की राहें इंसान ने अगर ख़ुद समझ ली हैं तो फ़र्ज़ ये बनता है इंसान का कि सबसे पहले हिदायत की राहें अपने खानदान को अपने अहल आयाल को बतलाएँ इसलिए जनाब अलैहिस्सलाम ने जहाँ अपने चाहने वालों को नहजुल नहजुलबला में वो तमाम चीज़ें जो इंसानियत को कमाल तक पहुँचाने का ज़रिया बन सकती हैं उनसे मुतल किया है वहाँ बिलखसूस ख़त नंबर इकतीस अपने बेटे के नाम किया है और उसमें एक बाप के अनवान से वो तमाम असूल जो हदायत का ज़रिया बना बन सकते हैं और वो तमाम रुकावटें जो हदायत से दूर कर सकती हैं जनाब इमामतबा आलामाम को मखातब हो जनाब आमी आलम ने वो बयान फ़रमाई हैं अब इन फरामीन के ज़िम्मन से एक बात हमें ये भी मालूम हो गई है कि जनाब अमीलाम मासूम बेटे से ये बातें कर रहे हैं गोया इमाम ये फरमा रहे हैं कि मैं अली भी अपने औलाद से इस हिदायत की राहों के बतलाने और तब्लीग करने और अमल बिलमूफ़ और नहीं अलमनकर करने का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ आपको भी चाहिए ए साहबान हिदायत और हिदायत की राहों को ढूंढने वाले अफराद जब आपको राह हिदायत मिल जाए तो आपका फर्ज यह बनता है कि आप इन राहों को फिर अपनी औलाद को बतलाएं अपने खानदान को बतलाएं अपने अयाल को बतलाएं और फिर आप जो आपके करीब हैं आपके प्यारे हैं आपके साथी हैं जैसे जनाब अमीलाम कभी जनाब अबूजर को मुखातब होते हैं कभी जनाब सलमान फ़ारसी को मखातब होते हैं कभी माले के अशतर को मखातब होते हैं कभी हार हमदानी से गुफ्तु करते हैं कभी एक कोमैल से गुफ्तु करते हैं तो इन से गुफ्तु के ज़रिए से जनाब इमाम उनको बतलाते हैं कि आपने कौन सी राह किस अंदाज में तय करनी है यही एक जुमला इजाफा करता जाऊँ आप अगर इन्हीं हस्तियों के नाम जनाब अमीसम के कलाम को देखिए तो एक चीज़ बड़ी दिक्कत से आपको आ, सोचनी चाहिए और आ, उसकी तरफ मुतवज़ होना चाहिए कि जनाब अमीर सलाम ने अपने इन चाहने वालों की अच्छाइयों की भी भरपूर अंदाज में तारीफ़ की है अब मैं एक एक की तरफ़ नहीं जाता मस जनाब अबू जर को ही जब ख़िताब किया तो पहला जुमला यह है कि आप अल्लाह के लिए गज़बनाक हुए अल्लाह से ही आप इसके आजर की उम्मीदें रखिए अब यह है कि आपका ग़ज़ब, आपका गुस्सा आपकी जंग अल्लाह की खातिर है ये एक तारीफ है ये जुमला ख़ुद ये बतलाता है कि जनाब अमीराम के तरबियत की और हिदायत की राहों में से एक बेहतरीन राह यह है कि अगर कोई इस हिदायत की राह की तरफ कदम उठाता है कुछ फासला तय करता है तो उसकी तारीफ करना चाहिए और तारीफ के जरिए उसको आगे की हिदायत की तरफ रहनुमाई करनी चाहिए यानी राह चलने वालों की तारीफ भी इस उसूल में से सरफहरिस्त एक असल है फिर जनाब इस्लाम ने खुद अपने बेटे को और अपने चाहने वालों को जब नसीहत की इस हिदायत की तो अपने चाहने वालों को भी बतलाया है कि देखो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अपनी औलाद के लिए हदायत की राहों का ख़्याल करें मैं जैसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि हिदायत की राह बतलाना एक असूल है और हिदायत की राह की रुकावटों से मतल करना और उनके साथ टकराना ये भी उसी का एक हिस्सा है जनाब अमीसम ने नाज के कलेमाते के सार नंबर थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन में एक असूल बयान फ़रमाया है और ये उसूल तरबियत के लिए भी बेहतरीन है हिदायत के ऊनमान से मैं इसको नकल कर रहा हूँ जनाब अमीसम फ़रमातेद वाल हक्कन व इनवाल हक्कन एक हक बेटे का बाप पर होता है और एक हक बाप का बेटे पर होता है बाप का बेटे पर यह हक है कि वह सवाए अल्लाह की मासीत के हर बात में उसकी इतात करे फहकुलद वाली अहू फ़ी कुल्लिन फ़ीमा फ़ीमा आसीयतल्लाबहान जब अमी इस्लाम फ़रमाते हैं बेटे के लिए लाजिम है कि हर शे में अपने बाप की इतात करें अजीब से हुक्कम है और हकीकत में कुर मजीद की आयात की ये तफसर है और वहाँ भी ये कहा गया है कि अब को शरक की दावत दें और आपको अल्लाह से दूर ले जाएँ जनाब अमीलाम ने यहाँ ओलाद के लिए एक रहनुमाई फरमाई है कि आपका हक ये है कि आप अपने वालद की इताते मुतल करें लेकिन इस मुतलक बयान करने के बाद फिर कैद लगा ली फरमाया फीमा असीयतिल्ला फी मगर अल्लाह की नाफरमानी में अब यहाँ खुद वालदेन के लिए वालद के लिए एक इशारा दे दिया गया है कि अगर आप रब की मासीयत करेंगे तो हम अपने बंदों को आपकी इतात का हुक्म नहीं दे सकते लिहाजा आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा रब की इतात करेंगे तो आपकी औलाद को हम हुक्म दे रहे हैं कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इतात करें यानी इता आते खुदाबंदी अगर वालद करेगा तो औलाद पर भी ज़्यादा से ज़्यादा उसके फरामी बाप के अकाम बाप के अवा जो हैं वो उनको फॉलो करना जरूरी होगा बहरहाल दूसरा जुमला जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ वह अगला हिस्सा है जनाब अमीर इस्लाम फरमाते हैं वह हकलद बाप के हक हैं बाप के लिए ज़रूरी है बाप आ, की ज़िम्मेदारी है कि बेटे का हक बनता है कि उस बाप को चाहिए कि बेटे के हक़ की अदायगी के लिए बेटे का प्यारा सा नाम रखे अल वलद न इसम हो बेटे का अच्छा सा नाम रखे अब अच्छे से नाम से मुराद जो हैं वो हमारे क़राम ने एम एम मौसम वसलम की रिवायत के हवाले से मतद्द जगहों पर फरमाया है कि बेहतरीन नाम वो हैं जो एम एम आसमी असलम ने अपने लिए इंतब किया एम एम आसमी वसलम के आसमास से अलकाब से अगर औलाद के नाम इंतब किए जाएँ तो ये बेहतरीन है दसल बड़ी ताक़ीद की गई है कुतुब में कि किसी घर में अगर बेटा हो या चंद बेटे हों और उसमें से किसी का नाम मोहम्मद नहीं हो तो ये मुनासिब नहीं है तो गोया प्यारे नामों में से सर फहरिस्त नाम जनाब पैगम्बर अक्रम हज़रत महमद मुतफ़ा सल्ला वसलम का वा है अब दूसरा हक जो है वो बेटे का बाप की ज़िम्मे ये है कि वह यूहसिन अदब के बाप बेटे को अदब सिखाए अब हमारा ये मौजूद नहीं है हम इसमें ज़्यादा वजाहत में नहीं जाना चाहते कि अदब क्या है अदब अगर उसका एक जुमले में खुलासा करें कि उसको वही सिखाए जो खालिक उससे चाहता है कि तू सिखा तो यही सबसे बड़ा अदब है और तीसरा जुमला व्यूअलमकुर बाप की जिम्मेदारी बनती है बाप के जिम्मा बेटे का यह हक है कि बाप बेटे को तालीम क़ुरान की तरफ मुतवज्जे करे उसको कुरान से आशना करे युहल कुरान कुरान की उसे तालीम दे अब कुरान ना जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि कुरान मजीद का मौजू क्या है हिदायत है जब बाप बेटे को तालीम कुरान देगा तो गोया यही बाप की ज़िम्मेदारी है और हक के औलाद यह बाप की ज़िम्मा के उसको हिदायत की राहें सिखाएं और हिदायत की राहों के लिए अमीर उमाम फ़रमाते हैं बेहतरीन ज़रिया यू कुरान के बाप अपने औलाद को क़ुरान की तालीम दे तो ये जैसे जनाब अमीलाम ने ख़ुद अपने बेटे को नसीहतें और वसीयतें फ़रमाई हैं इसी अंदाज़ में अपने चाहने वालों से भी ये चाहते हैं कि आप भी अपनी औलाद को ये नसीहतें हर वक्त बयान करते रहें और बेहतरीन उसका ज़रिया है कि आप उनको क़ुरान की तालीम दें अब जनाब अमीलाम का ये फरमान और जो औलाद की तरफ से वालद के ज़िम्मा एक हक बनता है वो क्या है यौल्ले कुरान के औलाद को कुरान सिखाएं मैं अपने इस गुजशत प्रोग्रामों में यह अर्ज़ कर चुका हूँ कि काश हम जनाब अमीलाम के इस वरमान पर अमल कर लें हम अगर अपनी औलाद को तालीम कुरान देंगे तो औलाद को फिर कुरान ये तालीम देता है कि आप अपने वालदन की इतात करें कोताही वालदेन से होती है जिसको जनाब अमीलाम नेद के हकूक़ करार दिए अक्सर अफ़रादिल्ला सोसाइटी में नाम रखने में तोज्जो कर रहे हैं और एम एमासमीम्सम के नाम और दूसरे प्यारे प्यारे नाम जो हैं वो अपनी औलाद के लिए इंतखब करते हैं लेकिन बिलखसूस क़ुरान मजीद की तरफ जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं इस अंधेरे में अगर इंसान ने हिदायत की राहों के लिए रोशनी तलब करनी है तो वो कुर मजीद की सूरत में और एम एम आसमिल की ज़बान मुबारक से निकली हुई कुरान की तफसीर के ज़िमन में ही मुहैया हो सकती है लिहाजा वालदा को इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तरफ राग़ब करें कुरान मजीद के साथ उनका उन्स पैदा हो हदायत अगर देनी है तो बच्चे कभी सख्ती से नहीं बल्कि बच्चों को प्यार से मैं जैसे अर्ज़ कर रहा हूँ ऐसा अंदाज़ अपनाया जाए कि कुरान मजीद से बच्चों का उन्स पैदा हो अगर सख्ती से होगा तो आपकी इज्जत की, की खातिर या आपके खौफ की वजह से बच्चा कुछ टाइम के लिए कुरान मजीद पढ़ लेगा मसा उसकी तिलावत कर लेगा अपने कमरे में रख लेगा लेकिन अगर ओंस पैदा नहीं होगा तो जब भी वो आपकी इस जोर से बाहर आएगा और आपके सामने नहीं होगा तो फिर वो कुरान मजीद की तरफ नहीं देखेगा लिहाजा ज़रूरी यह है कि बच्चों में ओंस से कुरान पैदा किया जाए अब ओंस से कुरान क़ुरआन कराम फरमाते हैं कि अल्लाह की मुक़द्दस और पाक और ताहिर किताब के साथ के लिए उस बच्चे की ग़ा की तहारत का ख़्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए बहरहाल ये अर्ज़ कर रहा था कि हिदायत की राहें कहाँ से शुरू करनी चाहिए सबसे पहले अपनी औलाद को अपने ख़ानदान को अपने घर वालों को इस हिदायत की राहों का पता देना चाहिए और जनाब सलाम ने इसी की तरफ इस फरमान में आ, इशारा फरमाया है और आ, हम अर्ज़ ये कर रहे हैं कि इसको प्यार के जरिए से मोहब्बत के ज़रिए से और जो तरीक़े बच्चे को उन से क़ुरान की तरफ ले आएँ उन तरीक़ों के ज़रिए से क़ुरान मजीद की तालीम देनी चाहिए और वैसे भी हम गुज़त सेशन में इस पर मुख्तसरा बात कर रहे थे कि इस वक्त जो इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है प्यार की बाज़ बुजुर्ग ने इस जुमले की तरफ़ इशारा फरमाया इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फाकर चल रहा है वो फ़्र आतफी है प्यार का फाकर मोहब्बत का फाकर इसलिए कि आप देखिए दुनिया में क्या क्या बनाया जा रहा है दुनिया में इंसान के कतल के लिए इंसान को मारने के लिए बहुत कुछ बनाया जा रहा है जिनाब अब्दुलमतलब के जद अमज जनाब पैगमर अक्रम का एक अशार में कहीं देख रहा था जनाब मुत्तलिब फरमाते हैं कि इंसान और भेड़िए को देखो इंसान और भेड़िए में फ़र्क क्या है अशार में फरमाते भेड़िया भेड़िए को कभी अगर मार भी दे तो भेड़िया भेड़िए का गोश्त नहीं खाता और इंसान वो है कि अपने भाई को कत्ल करके उसका गोश्त खाता है यानी इशारा ये है कि उसके ऊपर उतना जुल्म करता है जितना भेड़िया भी भेड़िए पर नहीं करता ये जनाब अब्दुल अब्दुलमतलब के अशार हैं और काफ़ी ज़माने में आ, क्या कुछ हो रहा है उस वक्त जनाब अब्दुल अब्दुलमतलब इसकी तरफ इशारा फरमाते हैं लिहाजा जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है प्यार की और इस फ़्र आतफी से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान को इंसानियत से दूर कर रही हैं और इंसान उसको तरक्की की राह समझता है मसलन आप यही चीज़ देखें जो इस वक्त हर किसी के पास और जिसके पास नहीं है कोई वो अपने आप को फ़कीर समझता है इंटरनेट की सहूलियात नए नए मॉडल्स की टीवी और सबसे बड़ी जो इस वक्त शैतान हर किसी के पास मौजूद है वो मोबाइल की सूरत में अब आप देखिए अपने घरों में देखिए माँ बाप से भी ज़्यादा बहन भाइयों से भी ज़्यादा मियाँ बीवी से भी ज़्यादा अब कुरान मजीद तो जब ये सारी चीज़ों से ज़्यादा है तो कुरान मजीद तो फिर है ही एक गरीब चीज़ जनाब अमीलम नाजुल्ला में फरमाया एक ज़माना ऐसे आएगा कि कुरान और अहल बैत दोनों गरीब होंगे लोग नाम के हद तक उन पर इक्तफ़ा करेंगे और बाकी जो है वो कुछ नहीं है लेकिन ना, इन चीजों ने जिनको हम समझते हैं ये तरक्की है अब हर कोई अपने तौर पर एक कमरे में भी बैठ के एक जगह पे बैठ के हर कोई अपनी अपनी चीज में लगा हुआ है भाई अगर गुफ्तगु करनी है दूसरों से गुफ्तगु करनी है तो जो सामने बैठे हैं जो साथ बैठे हैं जो आपके पहलू में बैठे हैं उनके साथ गुफ्तगु करो और अगर ज़रूरी है और आदाब महफिल और आदा मजलिस में से भी ये चीज़ है अक्सर हज़रा अच्छे भले पढ़े लिखे तालीम याफ़्त अफराद जो हैं वो इस चीज़ की तरफ मुतवज नहीं होते आदाब महफिल में क्या होता है आदाब महफिल में यह है कि जो आपके पास बैठा है उसके साथ गुफ्तु कीजिए यानी रोका गया है आदाब मजलिस में इन चीज़ों से कि अगर आप चंद अफरा बैठे हैं एक शख्स आपके पहलू में बैठा है तो आप उसके कान में सरगोशी मत कीजिए इसलिए एक दूसरा जो है वो पता नहीं क्या समझेगा कि ये मेरे बारे में शायद कुछ बात कर रहे थे यानी अगर आप एक महफिल में बैठे हैं तो उस महफिल में सरगोशी से रोका गया है दूसरे के कान के करीब मुंह ले जाके बात करना ताकि तीसरा आदमी चौथा आदमी जो उस कमरे में उस जगह पर है वो ना सुन सके इससे मना किया गया है इसको महफिल के आदाब के खिलाफ करार दिया गया है और अगर एक इंसान हाथ में मोबाइल लेके और ये सारा सिलसिला जो है उसकी तरफ जा रहा है तो फिर इसको हम क्या कहेंगे कम अज़ कम महफिल के आदाब की ख़िलाफ़ वर्जी हम इसको कह सकते हैं बहरहाल अर्ज यह कर रहा था कि हिदायत के लिए अतफ़ की ज़रूरत है प्यार की ज़रूरत है और इस वक्त सबसे ज़्यादा कमी जो है वो फ़ख्र की है अतफ़ की है फ़्र आतफ ही जो है वो बहुत ज़्यादा है क़ुरान मजीद ने इसलिए ममिन को क्या कहे भाई हैं आपस में भाईचारे के लिए बहुत जोर दिया है और अगर आप किसी और को भी हिदायत की राह की तरफ ले आना चाहते हैं तो आप उसको इसी मोहब्बत के ज़रिए से ले आ, आ सकते हैं किसी को सलाम करके किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट डाल के किसी की ज़रूरत पूरी कर, पूरी करके किसी के दुखों को बांट के ये भी चीज़ जो है वो होनी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे औक़ात होते हैं कि हम किसी को कुछ नहीं दे सकते किसी को कुछ नहीं दे सकते तो कम अज़ कम प्यार भरे अंदाज में उसके साथ बात कर सकते हैं और हमने हमारे अपनी इस फील्ड में बहुत सारे अफराद को देखा है कि वो अक्सर बात करते करते जो हैं वो कहते हैं कि आपने एतमाद के साथ हमारी बात सुन ली और हमें ये यकीन है कि आप इस राज को राज रखेंगे हमारी बात आगे नहीं जाएगी इस लिहाज से हमारे दिल से बहुत सारा बोझ उतर गया है यानी किसी को अपने दिल की बातें सुना लेना और ये भी यकीन हो कि वो राज को राज़ ही रखेगा उनकी बात को अपने सीने में रखेगा अब बात तो यहाँ तक चली गई है जनाब बलागा में एक जगह पे फरमाते हैं कि आपका अपना राज जो है वो आपके अपने सीने में होना चाहिए अब अगर किसी और तक गया है तो फिर ये बाहर चला जाएगा लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके दिल पे इतना बोझ है और उसके दिल में इतने दर्द हैं कि आपको सुना सकता है तो कम से कम आप इतनी हिम्मत पैदा कीजिए और आप अपने अवकात में से इतना वक्त निकालिए कि किसी दुख के दुखी के दुखों की कहानी आप आ, आ, सुन सकें और कम से कम उसको तसल्ली दे सकें तो ये फ़क्र अथफी के मुकाबले में ज़रूरी यह है कि उसमें यह अतफ़ और ये प्यार और ये मोहब्बत तकसीम की जाए और ये प्यार और मोहब्बत जो है वो सबसे ज्यादा तकसीम करने की जरूरत भी वहां है जिनको हमने सबसे ज्यादा हिदायत की तरफ ले आना है जहां जहां से हमारी जिम्मेदारियां शुरू होती हैं वहीं ये अथ और ये प्यार और मोहब्बत ज्यादा तकसीम करना जरूरी है हम अगर औलाद को चाहते हैं कि उनको हिदायत की राहों की तरफ ले आए तो भी ये इस प्यार के साथ होगा मोहब्बत के साथ होगा हम अपने साथ वालों को चाहते हैं हम अपने मोहल्ले शहर वालों से चाहते हैं हम अपने मिलने वालों से चाहते हैं कि वो हिदायत हिदायत की राहों को दर्क कर सकें तो बेहतरीन जरिया ये प्यार है और ये मोहब्बत है और ये अतफ के साथ और कुरान मजीद ने भी इसी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है बहरहाल जनाब अमीर सलाम ने भी जो वसीयतनामा जनाब मामे हसन आम के मुतक फ़रमाया है उसमें सबसे पहले यही बात की है बेटा मैं अपने आप के को देखता हूँ तो तुझे अपना जुज्बल के कुल पाता हूँ ये मोहब्बत का एक इजहार है ये प्यार का एक तरीका है जो जनाब इमाम ने अपने मासूम बेटे के लिए इमाम बेटे के लिए बयान फरमाया है यानी हिदायत अगर बच्चों से शुरू करनी है जो यकीन करनी है वक़ु अनफोसकम वलीकों के ज़रिए से ये हुक्म खुदा है तो उसको प्यार से मोहब्बत से और आ, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं इसको दोहरा रहा हूं प्यार और मोहब्बत वाले के दिलों में होता है लेकिन चाहिए ये तरबियत के असूलों में से एक ये है कि इस प्यार और मोहब्बत को अल्फाज के जरिए से और दूसरे तरीके जो हैं उस तरीक़ों के ज़रिए से मसल तरीके मैं अर्ज़ कर चुका हूँ तफसील में कभी कि आप बच्चे की बर्थडे है बच्चे को आप किसी अच्छे काम में देखते हैं तो हदिए की सूरत में किसी न किसी ज़रिए से ताकि वो बच्चा देख सके कि मेरे वालदान को मेरे साथ कितना प्यार है और यहीं एक जुमला इजाफ़ा करता जाऊँ अब जवानों के लिए भी कि जिस तरीके पे आपको बचपने पे प्यार की ज़रूरत होती है इसी तरीके पे वालदेन को बुढ़ापे में उसी अतफ़ की ज़रूरत होती है मैंने कभी अर्ज़ किया था कि एक वक्त ऐसा आता है जब वालदेन नजी भर कर खा सकते हैं डॉक्टरों ने उनको मना किया हुआ है। ये भी ना खाना और वो भी ना खाना और ये भी ना करना और वो भी ना करना उस वक्त तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है औलाद के प्यार भरे अल्फाज कहने की और औलाद से इतमीन के साथ बैठ के उनके टूटे फूटे अल्फाज और बाज़ात सख्त अंदाज से वसीहत की सूरत में गुफ्तु गुफ सुनने की शायद यही बुढ़ापा ताहीद के सामने भी था जिसकी वजह से औलाद को कहा कि वालदेन के सामने उफ तक न कहना अब उफ लफ्ज़ के बारे में फरमाते हैं उफ का ताल्लुक़ किसी लफ्ज़ से नहीं है बल्कि ये सांस से है यानी ठंडी सांस भी अगर वो कुछ कहते हैं और आप उसको अपनी तोहन समझते हैं तो फिर भी आप उनके सामने किसी यानी ठंडा सांस भी न लेना कि आपके सांस लेने से ज़ाहिर हो कि हम थक गए हैं या आप ये गलत कर रहे कह रहे हैं नहीं वला तक लहुमा उफिन आप उफ तक उनको न कहो तो जिस तरीके पे बचपन में वालदान के लिए ज़रूरी है कि वो औलाद के लिए मोहब्बत का अंदाज़ अपनाएं इसलिए एक ज़माना ऐसा आता है कि औलाद के लिए भी ज़रूरी यह है कि वो वालदान के लिए वैसे तो हर दौर में ज़रूरी है लेकिन यह है कि बिलखसूस बुढ़ापे बुढ़ापे का, का तस्करा फरमाते हैं पिछले दिनों में एक साहब ने सवाल किया कि आ, मेरा वालिद है और इतनी उसकी एज है और जब भी मैं कोई बात उससे करता हूं तो इस अंदाज से और इतनी गंदी किस्म की गालियां मुझे देते हैं कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मैं क्या करूं अब शायद इसी वजह से कुरान मजीद ने इन चीजों को मदनजर रखा है कि जब बाप उस वालद उस एज तक पहुँच जाते हैं और वो मरहला आ जाता है तो कभी नौबत ये भी आती है कि गालियाँ तक भी और तो उस सूरत में बच्चे को औलाद को क्या करना है वही सिलसिला जब बच्चे बच्चे थे तो वालदेन की ड्यूटी थी उस फ़्र अतफ़ को पूरा करने के लिए कौन कौन सी शरारत कौन कौन सी गलती कौन कौन से इज्तब उस वक्त बच्चे करते थे वालदे जो हैं उसको कबूल कर लेते थे इसी तरीके पे बच्चों को भी वो वक्त याद रखना चाहिए और इसमें बहरहाल बात यहाँ फैल गई अर्ज ये कर रहा था कि हिदायत अगर करनी है तो हिदायत के लिए सबसे पहले हमें मोहब्बत का जरिया अपनाना पड़ेगा और मोहब्बत का ज़रिया अपना के सबसे पहले अपनी औलाद से अपने घर से इस हिदायत की राहों को तय करना होगा और मैं अगर यहाँ ये यह कह दूँ आज चूँकि जनाब सैद ज़ैनब कुब्रा सामा की विलादत का दिन भी है मैं अगर यहाँ ये यह कहूँ कि नाजुलबला के खाता नंबर इकतीस में जिनाब इमाम हसन आलम को इमाम ने वसीयत फरमाई है तो जनाब जैनब्राम की सूरत में जिनाब सलाम ने एक अजीम तरीन बेटी की परवरिश करके हमें बतलाया है कि अली वाले अपनी औलाद की परवरिश ऐसे कर सकते हैं और ए अली के पैरोकारों अली आपको बतला रहे हैं कि आप अपनी औलाद की तरबियत कैसे करो हम ना अली बन सकते हैं और ना हमारी औलाद उस मकाम तक पहुँच सकती है लेकिन हिदायत की राहें जनाब सलाम ने जैसे इमाम हसन सलाम को फरमाया है तो वो फ़राम जो वसीयत इकतीस में है वह हम अपने बच्चों के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं और करने चाहिए इसी तरीके पर जनाबे की परवरिश किस अंदाज में जनाब अमीर ने फरमाई है वो भी एक नमूना है और काश हम उसी नमूने को सामने रख के अपनी बच्चियों की तरबियत इस अंदाज में करें जैसे जनाब अमीरमिन अमीर ने तरबियत की है और मैं काफ़ी तफसील से अब ये मैं आर्ज़ नहीं करना चाहता और तफ़ील में जनाब सैद नब्र सलाम्ला की अज़मत कहाँ और हम कहाँ कि बीबी की अजमत बयान की जाए बस इतना अगर कह दूँ कि जनाब हाजरा से लेके जनाब जहरा मरज़िया तक हर दौर में इन बीबियों ने नबियों और वक्त के वलियों और इमामों की खिदमत भी की उनको सपोर्ट भी दी उनकी इतात भी की और उनके लिए क़र्बानियाँ तैयार और ख़ुद कुरबानियाँ दीं जिनाब हाजरा की कुर्बानियों को देखिए जनाब हाजरा की इतबा जनाब इब्राहिम देखिए और फिर ये सिलसिला चलता आता है जनाब जहरा मरजिया तक जनाब खदीजतलकब्रा को देखिए जनाब जैनब्र के बारे में जिनाब पैगम्बर अक्रम का एक ही फरमान काफ़ी है और जनाब पैगम्बर अक्रम फरमाते मेरी जैनब अपनी जद्दा खदीजतुल्कब्रा की तरह है अब जो जो कर्बानियाँ यानी क्या कुर्बानियाँ थी जनाब खदीजतल्कब्रा की अगर हम बाकी तारीखों को छोड़ दें तो कुरान तो तो मजीद ने जिस चीज़ की तरफ वह इशारा फरमाया है कि अपना सारा माल राह मुस्तफ़ा में लुटा दिया है जिनाब जैनब्र वो हैं अपना सारा कुछ राह खुदा में लुटा दिया है जनाब सैदा पैगमर अक्रम के फरमान के मुताबिक जनाब जैनब्रा सल्ल अपनी जद्दा की तरह हैं, यानी मुश्किल दौर में जनाब खदीजतुलकबरा ने जनाब मुस्तफ़ा की इतात की और साथ दिया और वही जनाब खदीजतुलकबरा जिन्होंने जनाब अमीर अली तालब की परवरिश की और जनाब अमीर की देखभाल की अब यही किरदार जनाब जैनब कुबरा का नजर आता है बहरहाल इस बेटी को वह दर्श दिए मैं अगर इस दर्शक में ये कहूँ एक जुमले में अगर हम कहें कि जनाब इस्लाम ने अपनी बेटी को क्या सिखाया था बास बज़ुर्गों ने ये जुमला बड़े अतमाद के साथ फ़रमाया और मुझे पसंद है ये जुमला कि अगर जनाब अमीरमिन ने अपनी गोद में बिठा के इस बेटी को हिदायत की राहों के उस आखिरी मर्तबे तक की खबरें न दी होती कि बेटी आपने इंसानियत की हिदायत के लिए ये ये दुख झीलने हैं और ये ये कुर्बानियाँ पेश करनी हैं अगर ये हिदायत की राह और अगर ये रहनुमाई के असूल सामने न होते तो वो बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि जनाब जैनब कुबरा करबला में मर गई होती इसलिए कि एक बहन को वहाँ मर जाना चाहिए था लेकिन जनाब सैदा ने वो सारा काफिला लेके यतीमों का बेवाओं का असीरों का काफिला लेके इस राह हिदायत को कुफा और शाम तक रोशन किया और ये सारी तरबियत जनाब मोमिनीन का असर है मैं यहाँ अगर कहूँ तो मुनासिब होगा और मैं कभी कभी जनाब मोमिनीन से हाथ जोड़ के कहता हूँ या अली आपने मुख्तलिफ़ मैदानों में मुख्तलिफ अंदाज में बड़े जुरत के साथ जो रज पड़े थे कभी अमरबन अब्दुद के सामने कभी मरहब के सामने तो आपके वो रजियाार किताबों में मौजूद हैं लेकिन एक रजिया खुतबा जो जनाब जैनब कुबरा ने दिया गोया या आपकी बेटी ने आपके उन तमाम रजों को जमा करके इस जालिम जो सारे दुश्मनान दीन का नुमाइंदा था और बकौल इकबाल के मूस और, और यजीद इन दो कुत अज हयात आमद पदीद वो जो फिर ओन का नमरूद का अबू जहल का और सब का नुमाइंदा बन के बैठा था तख्त पे उसके सामने जनाब जैनब कुब्रम्ह ने अमीर अमीरुल मोमिनीन आपकी तरबियत को दिखाया और आपकी शुजात का इजहार किया और वो क्या था वो खुतबा देखने के काबिल है पढ़ने के काबिल है और उससे फिर हदायत की राहें भी वाज होती हैं लेकिन मैं जो चीज़ यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ वो एक दर्स क्या है जो जनाब अमीम ने जनाब सैदा जैनब कुबरा सलाम्ला को सिखाया वो एक दर्स है अल्लाह पे भरोसा यानी अगर इंसान को अल्लाह पर भरोसा हो अल्लाह हो तो फिर बड़े बड़े जालमों से वो टकरा के बड़े बड़े मुश्किल को बर्दाश्त करके राह हिदायत को कभी छोड़ता नहीं है और जनाब जैनब कुबरा का सलाम्ला का वो जो खुतबा शाम में दिया आखिरी जुमला जनाब सैदा का यही है हसब अल्लाह हमें अल्लाह काफ़ी है और उसी पर हमारा भरोसा है उसी पर हमारा तोल है तो ये एक दर्श जो जनाब आमिर ने अपनी बेटी को दिया है वो अल्लाह की जात पर तो्क्ल और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और अगर हम अपनी औलाद को ये सिखा सकें वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है वरना ख़त इकतीस में जो जनाब सलाम ने जनाब सलाम ने इमाम हसन सलाम को जो वसीयतें कं उसमें भी बड़ी दिक्कत के साथ जनाब सलाम ने इसकी तरफ ओसख लफ्स इस्तेमाल किया है यानी सबसे ज़्यादा काबिल एतमार जो शख्सियत आपके लिए होनी चाहिए वह अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए यानी हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम अगर हिदायत की राहें औलाद को सिखाना चाहते हैं तो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और इसी को हम कहते हैं यानी अकीदे की पुख्तगी उनको सिखाएं और जब अक़ीदे में पुख्तगी होगी तो फिर अल्लाह उनका साथ अल्लाह तो हर किसी के साथ है लेकिन अल्लाह उनके साथ होगा उनको भी मालूम होगा अल्लाह हर किसी के साथ है लेकिन बहुत सों को ये मालूम नहीं होता कि वो मेरे साथ है जब वो इसको यकीन नहीं होता कि वो मेरे साथ है तो फिर दूसरों को साथ ढूँढता है ज़रूरी यह है कि अल्लाह के साथ की खबर होनी चाहिए और ये जनाब अमीलाम बतलाते हैं हाँ आप वो बच्चों की हिदायत का ये तरीक़ा अपनाएं यानी अगर जो अर्ज़ कर रहा जनाब जैनब कोबरा सलाम के विलादत के हवाले से कि मजबूत तरीन राह तरबियत क्या है अल्लाह की ज़ात पर भरोसा इसी हवाले से जनाब अमीम का एक खुतबा बहुत मुख्तार सा खुतबा है अब खुतबात नाजुलबलागा आपको मालूम है कि ये सैद रजी ने हिसे हिसे जमा किए हैं कोई किसी खुतबे से एक हिस्सा लिया कोई किसी खुतबे से एक हिस्सा लिया और उस हिस्से को भी पूरा खुतबा या कलाम उनमिना कलाम अमीरमिन करार दे दिया नंबर छियालीस एक दुआ है जिसको दुआ सफ़र के अनवान से नहाजुलबलागा में बयान किया गया खुतबा नंबर फोर्टी सिक्स पहले हिस्से में और आ, इबन अबिल हदीद ने नाजुलबला की शरह में इस खुतबे की शरह में लिखा है कि ये खुतबा थर्टी सेवन हिजरी में जनाब अमी सलाम ने करबला की सरजमीन पर बयान फरमाया था जब जनाब सलाम ने शाम के हाकिम से मुकाबले के लिए सफ़र का इरादा किया और करबला पहुँचे तो करबला की खाक को हाथ में लिया करबला की खाक को सूंघा और फिर जनाब अमीलाम ने कुछ गुफ्तू की जो इबिन अबिल हदीद ने नाजुलबलाघा की शराह में लिखी है इस खुतबे के ज़िमन में जनाब अमीलाम फ़रमाते हैं हाय करबला की ज़मीन तेरे ऊपर क्या क्या होने वाला है और फिर जनाब अमीलाम ने वहाँ ज़ात तोहद को ख़ताब किया और इसको दुआ सफ़र करार दिया है और ये जुम्ला जनाब अमीम की ज़बान मुबारक से ही अगर नकल कर दूँ जनाब अमी आलाम के इस खुतबे के बारे में सैयद रजी शुरू में फ़रमाते हैं इन द आज़म ही अलमसर अल शाम शाम की तरफ जब रवाना होने का इरादा किया जिनाब अमीम ने तो ये कलिमत इरशाद फरमाए अल्लामी अलोबिख मिन वसा सफ़र व काबतन बे वसूल मंज़र ए अमह में सफ़र की मशक्क़्त और वापसी के अनदोह और अहलुमाल की बदहाली के मंजर से पुनः मांगता हूँ ए अल्लाह तू ही सफ़र में रफ़ीक और बाल बच्चों का मुहाफ़ हो जिसके लिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि औलाद की तरबियत के लिए और औलाद को हिदायत की राह पर ले आने के लिए जरूरी यह है कि उनका अल्लाह पे भरोसा हो अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक हो अल्लाह के साथ उनका मजबूत से मजबूत रिश्ता हो और यही जनाब अमी यहाँ फरमाते हैं तू है मैं सफ़र पे जा रहा हूँ अलहुमा अनत साहिब परवरदगार तू सफ़र में और हज़र में मेरा साहिब है वह अनतलीफ तो अहले मैं जब सफ़र में जा रहा हूँ तो मेरे अहल के लिए मेरे बच्चों के लिए आ, कौन खलीफा है उनकी देखभाल कौन करेगा वो तू है अब ये है जनाब अमीम की तोहद सिखाने का अंदाज जनाब अमी फरमाते हैं इलाही मैं सफ़र पर जा रहा हूँ सफर में हों या हजर में हों मुझे तेरे साथ की ज़रूरत है तू वो है जो मुझ अली के सफ़र में अली के साथ भी होगा और वल वन तल खलीफ़ तो अहले और तू वो है जो पीछे मेरे बच्चों के साथ भी होगा वला यजमा होमा इलाही तू ही वो है और वाहिद तू ही है जो दो जगहों पे नहीं हो सकता मेरे साथ भी हो और मेरे बच्चों के साथ भी हो वला यजमाओ होमा गैर रुख ये फकत तेरी जात का कमाल है मेरा भी साथी है मेरी मुश्किलों में भी मददगार है और मेरे बच्चों के लिए भी तू ही है ले अंदल मुस्तलफ़ ला यकून मुस्बन इसलिए कि जो पीछे होता है वो साथ नहीं होता बल मुस्तबला यकून मुस्तलफ़न और जो साथ होता है वो पीछे नहीं होता या वो साथ होगा या वो पीछे होगा परवरदगार तो है जो अली के साथ सफ़र में भी है और तू है जो जनाब सलाम का ये जुमला और इसको दुआए सफ़र के ऊनमान से नाखिल किया गया है कि जनाब अमीसम की ये सफ़र की दुआ है अब इस सफ़र की दुआ में बड़ा अजीब सा सिलसिला है नाब अमी फरमाते हैं कि हाँ ए परवरदगार तू ही है जो मेरे साथ भी है मेरे औलाद के साथ भी है आ, मेरे ख्याल में आ, आज की इस सेशन के लिए इतना ही काफी है हम गुजारिश करेंगे ये दो जमला अगर हम अपनी हिदायत के लिए अपनी औलाद की हिदायत के लिए अपने बच्चों के साथ अगर हम मेहरबानी करें तो सबसे बड़ी मेहरबानी यह है कि हम उनको रब का तारफ अमीरमिन की ज़बान से करा दें और ये ताल्लुक़ जो जनाब इस्लाम ने तोद के लिए बतलाया है इन दो चार जुम्ला में कितना ही प्यारा है शायद ही कलाम मुस्तफा के बाद किसी और कलाम में आपको ये अंदाज़ तोहद मिलेगा हम भी दुआ करते हैं परवरदिगार हमारे भी साथ तो ही है हमारे बच्चों के लिए भी तो है उनकी हिदायत के लिए हमारी हिदायत के लिए हमें दूसरों को हिदायत की राहों की इत्तिला देने के लिए तौफीक नसीब फरमा असल वरम्तुल्ल व